दूर किसी जंगल में कालू कौवा रहता था कालू कौवा काफी गरीब था क्योंकि कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था कालू कौवे को कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी परंतु कालू कौवा शादी करना चाहता था मीनू चिड़िया मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं रोजाना नौकरी की तलाश में निकलता हूँ परंतु मुझे नौकरी है कि मिल ही नहीं रही और देखो तो मुझसे पहले सब पक्षियों की शादी भी हो गई। अब अगर मेरी नौकरी लगे तभी तो कोई कवि मुझसे शादी करेगी ना? हाँ कालू कवि तुम्हारी नौकरी नहीं है जिस कारण कोई कवि तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं लेकिन तुम चिंता मत करो तुम्हारी जल्द ही कोई नौकरी लग जाएगी मीनू चिड़िया वो जो तुम्हारी दोस्त है ना रानी कवि वे मुझे बहुत पसंद है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ क्या रानी कवि ठीक है कालू कावे मैं रानी कवि से बात करती हूँ अगर वे मान गई तो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन रानी कवि के पास जाती है रानी कवि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है जरा मेरी बात सुनो हाँ हाँ बोलो बोलो मीनू चिड़िया क्या बात है बोलो मैं सुन रही हूँ रानी कवि मेरा जो दोस्त है ना कालू कवा वो तुमसे शादी करना चाहता है परंतु उसकी कोई नौकरी नहीं इसीलिए बेचारे कालू कवे से कोई कवि शादी भी नहीं कर रही मीनू चिड़िया मैं अपनी बहन की शादी किसी गरीब कौवे से नहीं होने दूंगा अगर कालू कौवा अमीर होता तो मैं अपनी बहन की शादी फौरन करवा देता उससे भाई मुझे कोई मसला नहीं है गरीबी से। मैं कालू जी के साथ मेहनत करके कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी अरे वाह रानी कवि इसका मतलब तुम राजी हो हाँ मीनू चिड़िया मैं कालू जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ ठीक है भाई जब मेरी बहन ही राजी है तो मुझे कोई मसला नहीं बस फिर कालू कौवा भी शादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है फिर कुछ ही दिनों बाद कालू कवे और रानी कवि की शादी हो जाती है रानी वैसे तो मैं हमेशा से किसी अमीर कवि से शादी करना चाहता था ताकि मैं भी उससे शादी करके अमीर हो जाऊं परंतु मुझे कोई ऐसी कवि मिली ही नहीं कालू जी नौकरी में कुछ भी नहीं रखा बस मैंने सोच लिया है अब मैं भी आपके साथ नौकरी करूंगी और हम दोनों मिलकर काफ़ी सारे पैसे जमा करेंगे और फिर अपना एक अच्छा सा कारोबार खोल लेंगे देखना एक दिन हम भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे अरे रानी नौकरी तो है ही नहीं मेरे पास कालू जी मेरे भाई ने मेरी और आपकी नौकरी उल्लू सेठ के खेत में लगा दी है अब से हम उल्लू सेठ के खेत में ही काम करेंगे बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर उल्लू सेठ के खेत में काम करने लगे थे और बस कुछ ही महीनों बाद उनके पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अब कालू कौवा अपना एक फलों का बाखरी लेता है और अब आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे का अपना एक बड़ा सा घर भी हो जाता है अब तो कालू कौवा काफी ज्यादा अमीर हो गया था परंतु अमीर होने के साथ साथ कालू थोड़ा लालची भी हो गया था मैं अपनी मेहनत से कितना अमीर हो गया हूँ काश कि अगर मैंने किसी अमीर कवि से शादी की होती तो आज मैं और भी ज्यादा अमीर होता रानी कवि के इतने अच्छे होने के बावजूद भी कालू पछता रहा था कि इसने रानी कवि से शादी क्यों कर ली बस फिर उस जंगल में एक सोनी कवि भी आ जाती है जो कि एक बड़ा सा सोने का हार भी पहनी हुई थी और काफी ज्यादा अमीर लग रही थी बबलू भैया ये जंगल तो बहुत अच्छा है हम यहाँ आराम से रह सकते हैं सोनी कवी और बबलू कावे को पता था कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी कालू कवा है सोनी कवी काश कालू कावे की शादी ना हुई होती तो मैं तुम्हारी शादी कालू काव्य से करवा देता भैया देर तो अभी भी नहीं हुई उस अमीर कालू काव्य से शादी तो मैं अभी भी कर सकती हूँ बस उसे थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना होगा हमें अरे सोनी कवि अगर तुम्हारी शादी कालू कावे से हो गई, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम कालू कावे को लूट लेंगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हम्म आप ठीक कह रहे हैं मैं अभी जाती हूँ कालू कवे के पास और जाकर उसे अपने जाल में फंसाती हूँ ये कहकर सोनी कवि कालू कव्य के पास चली जाती है कालू कव्य मेरा नाम सोनी कवि है और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं अमीर हूँ बहुत मैं बस मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी अमीर कवि से हो जाए वैसे एक बात कहूँ आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं क्योंकि मुझे आप जैसे ही किसी अमीर कवि की तलाश थी कालू कौवा सोनी कवि की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है ये सोनी कवि तो बहुत अमीर लग रही है कितना महंगा सोने का हार पहना है इसने अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो, तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा सोनी कवि मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ ये कहकर कालू कौवा का अपने घर की तरफ चला जाता है रानी आज एक कौी मेरे खेत में आई थी वे थी तो बहुत ज्यादा अमीर और पता है मुझसे कह रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं ताकि मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। मैं सोच रहा हूं कि मैं उस कौी से शादी कर ही लेता हूं ताकि मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। क्या कालू जी आप क्या कह रहे हैं मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना तो फिर आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं रानी मैं तुमसे इजाज़त नहीं ले रहा सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ अब मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ कालू जी अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी हाँ तो चली जाओ वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला कालू जी सोच लें अगर मैं एक बार चली गई तो मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी फिर अरे तुम क्या चाहोगी मेरा घर छोड़ के मैं तुम्हें खुद ही अपने घर से निकाल देता हूँ फिर कालू कौवा रानी कवि को अपने घर से निकाल देता है और रानी कवि उदास होकर मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताती है अरे दी ये तुम क्या कह रही हो रानी वे सोनी कवी तो बहुत चराग है मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ पता है वे अमीर कौर से शादी करके उन्हें लुट कर भाग जाती है यकीनन में कालू कविर के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी परंतु मीनू चिड़िया कालू जी तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है वे तो बस उस सोनी कवि ऐसी शादी करना चाहते हैं हम्म मैं जानती हूँ सोनी कवि और उसके भाई को वो दोनों बहुत चलाक हैं उन दोनों ने दूसरे जंगलों में भी काफी सारे कौवों को लूटा है लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी इस बार तो मैं उन दोनों को पकड़वा कर ही रहूंगी शादी की सारी सजावट हो गई थी आज कालू कावे और सोनी कवि की शादी थी कालू कौवा तो काफी ज्यादा खुश था बस एक बार इस कौवे से मेरी शादी हो जाए तो रात को मैं नींद की गोली पानी में मिलाकर इसे पिला दूंगी और इसके सारे पैसे और इसकी सारी जायदाद लेकर भाग जाऊंगी कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था कि तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया तोते और उल्लू सैनिक को लेकर आती है रुक जाओ कालू कवि ये शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये सोनी कवि धोखेबाज है इसने बहुत से पक्षियों को धोखा दिया है क्या मीनू चिड़िया ये क्या कह रही हो तुम झूठ मत बोलो और चली जाओ यहाँ से तुम बिलावज हमें परेशान मत करो तोते ये ऐसे नहीं मानेगा अब बता दो तुम इस सोनी कवि और इसके भाई की असलियत कालू कहवे में दूसरे जंगल में रहता हूँ और ये सोनी कवी मेरे बराबर वाले घर में रहती थी इसने तो बहुत से कौ को लूटा है ये अमीर कवो से शादी करके उनके सारे पैसे और उनकी सारी जायदाद लूट कर भाग जाती है यकीन ये तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेगी क्या सोनी कवि तुम तो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था उल्लू सैनिक फौरन से इन पक्षियों को पकड़ कर ले जाओ और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो फिर उल्लू सैनिक लाकर उन दोनों को पिंजरे में कैद कर देता है और उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है रानी तुम मुझे माफ कर दो आज फिर से तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा अमीर हुआ और मैं तुम्हें ही भूल गया था मुझे माफ़ कर दो रानी कालू जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया मेरे लिए यही बहुत है मैंने आपको माफ़ किया बस फिर कालू कौवा का और रानी कौवी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं आज कालू कौवा का काफी सालों के बाद मिठू महाराज की से आजाद हुआ था इसीलिए कालू कौवा का बहुत ही ज्यादा खुश था कालू कौवे का मैंने काफी सालों के बाद आज तुम्हें पिंजरे से आज़ाद किया है जाओ जाके अपने परिवार से मिल लो लेकिन हाँ आगे से कभी भी कोई गलत काम नहीं करना वरना मैं दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा और तुम्हें कभी भी पिंजरे से आज़ाद नहीं करूंगा। और फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए चला जाता है कालू जी तुम मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बाद तुम अपने घोंसले में वापस आ गए हो रॉनी। आज मुझे मिट्ठू महाराज ने आजाद कर दिया है आज से मैं आजाद हूँ मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा जी तुम भोजन चुराते हुए पकड़े गए थे इसीलिए मिट्ठू महाराज ने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था लेकिन आज से तुम कभी भी किसी भी पक्षी का भोजन चोरी नहीं करोगे मैं इस मिट्ठू महाराज को तो सबक सिखा कर ही रहूँगा मिठ्ठू महाराज ने मुझे इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था मैं मिट्टू महाराज से अपना बदला तो लेकर ही रहूँगा कहलु जी अब कोई ऐसा वैसा काम मत कर देना कि मिठू महाराज दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दे हाँ ठीक है रानी चलो मैं अभी चलता हूँ मुझे अपने दोस्त बबलू कौवे से मिलने के लिए जाना है और फिर ये कहकर वे कालू कौवा अपने दोस्त बबलू कौवे के पास चला जाता है अरे कालू कौवे मेरे दोस्त तुम आजाद हो गए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हाँ मेरे दोस्त बबलू कौवे मुझे मिट्ठू महाराज ने आज ही आज़ाद कर दिया है लेकिन बबलू कौवे मुझे मिट्ठू महाराज से अपना बदला लेना है क्यों नहीं कालू कौवे मिठ्ठू महाराज से तो तुम्हें अपना बदला लेना ही चाहिए देखो मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे जंगल का महाराज बन जाऊँ, लेकिन मैं जब तक इस जंगल का महाराज नहीं बन सकता हूँ जब तक के मिट्टू महाराज नहीं मर जाते मैं तुम्हें दो भोजन से भरी पोटलियाँ दूंगा तुम्हें मिट्टू महाराज को जंगल से बाहर ले जाकर मार देना है और सभी पक्षियों को आकर कहना है कि मिट्टू महाराज को एक चील खा गई है ठीक है मेरे दोस्त कालू कौवे का अगर तुम मुझे दो भोजन से भरी पोटलियाँ दोगे तो मैं ये तुम्हारा काम जरूर करूँगा ठीक है पहले तुम ये काम करो उसके बाद में तुम्हारी दोनों भोजन की पोटलियाँ तुम्हें दे दूंगा और फिर बबलू कौवा मिठू महाराज को मारने का मंसूबा बना लेता है और वे फौरन मिठू महाराज के पास चला जाता है मिठू महाराज आप मेरे साथ जल्दी चलें मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखानी है अगर थोड़ी सी देर हो गई तो वे चीज वहाँ से चली जाएगी पर बबलू का वे, वे क्या चीज है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो बताने का वक्त अभी नहीं है आप मेरे साथ जल्दी से चलें अच्छा अच्छा ठीक है बबलू कौवे चलो सैनिको मेरे साथ चलो मिठू महाराज सैनिक को तो साथ वो ले जाते हैं जो डरते हैं क्या आप भी डरते हैं मिठ्ठू महाराज नहीं बबलू कौवे मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ तो फिर आप सैनिकों को साथ मत ले जाइए वरना सब यही समझेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा डरते हैं और फिर बबलू कौवा मिठ्ठू महाराज को लेकर अपने साथ चला जाता है बबलू कौवे ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और तुम मुझे कौन सी चीज दिखाने लाए हो यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है और फिर बबलू कौवा फौरन मिट्टू महाराज को पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है अब मिट्टू महाराज का खेल खत्म हो गया है अब मैं जंगल में जाता हूँ और सभी पक्षियों को कह देता हूँ कि आज से जंगल का नया महाराज कालू कौवा है और फिर ये कहकर वे बबलू कौवा जंगल की तरफ चला जाता है पक्षियों बड़े ही दुख की बात है मैं और मिठ्ठू महाराज जंगल से बाहर जा रहे थे क्या अचानक एक चील ने मिट्टू महाराज पर हमला कर दिया और मिट्टू महाराज उसी समय मर गए लेकिन मिट्टू महाराज ने मरते मरते मुझसे कहा था कि जंगल का नया महाराज कालू कौवे को ही बनाना मिट्टू महाराज की मौत की खबर सुनकर तो सभी पक्षी बहुत ज्यादा ही उदास हो जाते हैं और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पक्षियों मिट्ठू महाराज का हुक्म सर आँखों पर अगर मिट्ठू महाराज चाहते हैं कि इस जंगल का नया महाराज मैं बनूं तो ठीक है आज से इस जंगल का नया महाराज मैं ही हूँ सभी पक्षी भी कालू कौवे को अपना नया महाराज स्वीकार कर लेते हैं बबलू कौवे तुमने मेरा काम किया ये लो तुम्हारी दो भोजन से भरी पोर्ट कालू कौवे बस ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए इस बात का ख्याल रखना तुम वरना जंगल के पक्षी ना तो तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही मुझे दूसरी तरफ एक वैजी पक्षी ने मिट्ठू महाराज की जान बचा ली थी और अब मिट्ठू महाराज बिल्कुल ठीक थे मिट्ठू महाराज आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फिर आप अपने जंगल चले जाना वैद तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई चलो अब मुझे अपने जंगल जाना है मैं जा रहा हूँ अपने जंगल नहीं नहीं मिठू महाराज आप अभी अपने जंगल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आप अपने जंगल चले जाना दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल का महाराज बनने के बाद तो हर समय आराम ही करता रहता और जब भूख लगती तो खूब मज़े मजे के भोजन खाता कालू जी जब से तुम तो इस जंगल के महाराज बने हो जब से तो मेरे दिन ही फिर गए हैं। हर समय मजे मजे के भोजन खाते हैं हम दोनों रानी मैंने मिट्टू महाराज से अपना बदला भी ले लिया और मेरा महाराज बनने का सपना भी पूरा हो गया है कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं कुछ दिनों के बाद मिट्टू महाराज की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और मिठ्ठू महाराज कहते हैं वैजी अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है अब मुझे अपने जंगल चले जाना चाहिए हाँ मिठ्ठू महाराज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है अब आप अपने जंगल जा सकते हैं। और फिर मिठ्ठू महाराज खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। कौवे महाराज आज आपने हम सब पक्षियों को यहाँ क्यों जमा किया है आखिर क्या बात है पक्षियों बात यह है कि मैंने फैसला किया है जो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा कवि तो महाराज आपने क्या फैसला किया है बताएं हमें मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मेरे जंगल में तुम में से कोई भी पक्षी नहीं रहेगा तुम सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर मेरे जंगल से निकल जाओ क्योंकि इस जंगल में अब कौवा और ही रहेंगे मैंने काफी सारे कौवा और कवियों को अपने जंगल में बुला लिया है अब से वे सब कौ और कौवी मेरे जंगल में रहेंगे इसीलिए सभी पक्षी अपना सामान बांधकर जंगल से निकल जाएं। पर कौवे महाराज हम इस जंगल को छोड़कर कर कहाँ जाएंगे इस जंगल के अलावा हमारे पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ मैं इस जंगल का महाराज हूँ मैं जो भी आदेश दूंगा वो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा चलो निकल जाओ मेरे जंगल से। बस कालू कौवे बहुत हो गया तुम्हारा तुमने मेरे जंगल के पक्षियों को बहुत तंग किया है लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त बबलू कौवे को नहीं छोड़ूंगा मिठू महाराज को जिंदा देख कर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जंगल के प्यारे पक्षियों इस बबलू कौवे ने मुझे एक पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया था जिसके कारण मैं जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया था तो फिर एक व्यक्ति ने ही मेरी जान बचाई और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मिट्टू महाराज मुझे माफ कर दें, मैंने तो ये सब कुछ कालू कौवे के कहने पर किया था वरना मेरा इसमें कोई दोष नहीं है असल में कालू कौवा इस जंगल का महाराज बनना चाहता था और कालू कौवे को मिठ्ठू महाराज से अपना बदला भी लेना था इसीलिए कालू कौवे ने मुझे दो भोजन की पोटलियाँ दी और मुझसे ये काम करवाया बबलू कौवे की ये बात सुनकर तो मिट्टू महाराज और जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कालू कौवे मैंने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दूंगा और बबलू कौे तुमने भी इस कालू कौवे की बात मानकर मुझे मारने की कोशिश की थी इसीलिए मैं तुम्हें भी पिंजरे में कैद करूंगा और फिर मिट्ठू महाराज के हुक्म से कालू कौवे और बबलू कौे को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और फिर मिट्ठू महाराज दोबारा से अपने जंगल के महाराज बन जाते हैं और सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं